आगरा के बिजलीघर चौराहा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बस संचालकों द्वारा बसों को ठीक तरीके से संचालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जीवन भय एवं ट्रैफिक जाम उत्पन्न हो रहा था, जिससे इमरजेंसी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस एवं फायर सर्विसेज आदि भी प्रभावित हो रही थी। उक्त के मद्देनज़र कल दिनांक 26 तारीख को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से इन सब की एक गोष्ठी भी आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज सुबह लगभग इसी तरीके से बिजलीघर चौराहे पर बस बहुत ही गलत तरीके से संचालित की जा रही थी, जिसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के क्रम में थाना रकाबगंज में मुकदमा लिखाया गया है एवं दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।